हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तिल के लड्डू घर पर कैसे बनाए जाए। इसके लिए आपको लगेगा आधा किलो तिल, पाव किलो लगेगा गुड़ और 1.5 छोटा बाउल लगेगा आपको मूंगफली। मैंने इस तिल को रात को धो के सुखाने रख दिया था और अभी मैं इस तिल को थोड़ा भून लूँगी और साथ ही मैं मूंगफली को भी भून लूँगी। अब इसको हमें मिक्सी में से निकालना है, तो मिक्सी में से आप थोड़ा तिल लेके उसमें गुड़ डालें और थोड़ी फिर बाद में दूसरे टाइम थोड़ी मूंगफली लेके उसमें थोड़ा गुड़ डालें। ऐसे करके पूरा मिश्रण तैयार कर लें। अलग से गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप अलग से गुड़ पूरा मिक्स करना चाहते हो तो इससे आपकी मिक्सी ख़राब हो सकती है, क्योंकि गुड़ बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट उसमें होती है। तो आप ऐसे करके इस मिश्रण को तैयार कर लें। आप चाहे तो इसको बारीक भी निकाल सकते हो या फिर आपके हिसाब से। मैं इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करूँगी और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखूँगी, इसको मीडियम में रखूँगी। तो फिर आप इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालें, क्योंकि ये मिश्रण सूखा हो जाता है थोड़ा, तो इसके लड्डू बन नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद अपने हाथ को भी थोड़ा सा पानी लगा दें जब भी लड्डू बनाए, और इसको इस तरह से बना दें। तो ये रहे हमारा तिल का लड्डू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।